अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात चहारुम के मराठी की किताब से पाठ क्रमांक 20 मुलांनी काढलेली चित्रे 2 इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आप सभी अपनी किताब का पाठ क्रमांक 20 निकालिए। प्यारे बच्चों, सबक में हमें कुल 6 तस्वीर दी हुई है ना, और हर तस्वीर को हमें बगौर देख कर तफसील बयान करना है कि इन तस्वीर में हमें क्या मंजर दिखाया गया है। तर मुलांनो, पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे? तर एक कुमार मडकी घडवत आहे, दुसरा कुमार मडकी तपासत आहे आणि कुमाराची मुलगी झाडाखाली खेळत आहे। मतलब प्यारे बच्चों, पहिली तस्वीर में हमें एक कुमार पहिए पर मिट्टी की मदद से मटका बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे दूसरा कुमार मिट्टी से बने हुए मटकों को चेक करके उन्हें तरतीब से रख रहा है और कुमार की बेटी करीबी दरख्त के नीचे खेल रही है। दूसरे चित्रामध्ये एक कोंबडी आणि त्याचे 2 पिल्लू दिसत आहेत। एक पिल्लू कोंबड्याच्या पाठीवर बसला आहे आणि दुसरा पिल्लू कोंबडीच्या समोर उभा आहे। मतलब दूसरी तस्वीर में एक मुर्गी और मुर्गी के 2 चूजे नजर आ रहे हैं। एक चूजा मुर्गी की पीठ पर बैठा हुआ है और दूसरा मुर्गी के सामने खड़ा नजर आ रहा है। तीसरे चित्रामध्ये एक मुलगा तलावाजवळ पतंग उडवत आहे, तर दूसरा मुलगा ओढीमध्ये बसलेला दिसत आहे। तसेच तलावाजवळ नारळाची झाडे पण दिसत आहे। मतलब प्यारे बच्चों, तीसरी तस्वीर में एक तालाब के किनारे बहुत सारे नारियल के दरख्त है। एक लड़का किनारे पर पतंग उड़ा रहा है और दूसरा लड़का तालाब में नाव चलाता दिखाई दे रहा है। चौथ्या चित्रामध्ये एक बागीचा आहे। बागेमध्ये डोरेमोन दिसत आहे, तसेच एक मुलगी डोरेमोनची बहीण डोरोमी सोबत खेळताना आपल्याला दिसत आहे। प्यारे बच्चों, चौथी तस्वीर में एक बाग का मंजर दिखाई दे रहा है। बाग में डोरेमोन दिखाई दे रहा है। उसी तरह एक लड़की डोरेमोन की बहन डोरोमी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रही है। पांचव्या चित्रामध्ये ही डोरेमोन दिसत आहे। डोरेमोनच्या उजव्या बाजूला शुजुका आणि सुनियो दिसत आहे, तर डोरेमोनच्या डाव्या बाजूला नोबिता आणि जियान दिसत आहे। इस तस्वीर में भी डोरेमोन दिखाई दे रहा है। डोरेमोन के दाएं जानिब शुजुका और सुनियो दिखाई दे रहे हैं और डोरेमोन के बाएं जानिब नोबिता और जियान दिखाई दे रहे हैं। सहाव्या चित्रामध्ये आइसक्रीमचे एक दुकान दिसत आहे। 2 मुली आइसक्रीम घेण्यासाठी आलेल्या आहेत। दुकानाच्या बाजूला एक फेरीवाला आंबे विकताना आपल्याला दिसत आहे। प्यारे बच्चों, छठी तस्वीर में एक पेड़ के नीचे आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है। 2 लड़कियां आइसक्रीम खरीदने आई हुई है। दुकान के करीब ही एक फेरी वाला आम बेच रहा है।